विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के एक बयान का जवाब देने के चक्कर में पाकिस्तानी सेना खुद ही फंस गई है। दरअसल सुषमा स्वराज के गुरुवार को अहमदाबाद में एक बैठक के दौरान कहा था कि 26 फरवरी को बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक में किसी पाकिस्तानी नागरिक और सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा था। सुषमा ने कहा था कि भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का मकसद जैश ए मोहम्मद को निशाना बनाना था। इस जवाबी हमले में कोई भी पाक सैनिक या नागरिक नहीं मारा। आइए सबसे पहले उस पूरे बयान को आपको सुनाते हैं, फिर बताते हैं पाकिस्तान सेना ने आखिर इस पर क्या बोला है। हर जगह हम लोगों ने जब ये बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा में की गई थी, हमने उन्हें बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक बहुत जिम्मेदाराना थी। हमने कहा कि हमने सेना को खुला हाथ दिया था, लेकिन दो निर्देश भी दिए थे, पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को खरोंच नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों का शहादत हमने की है, जिसकी जिम्मेदारी 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने दी है, सीधे जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। सेना ने इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं। सुषमा स्वराज के इस पूरे बयान को सुनने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि वायुसेना की एयर स्ट्राइक का मकसद जैश ए मोहम्मद को निशाना बनाना था और वहाँ कोई पाक सैनिक या नागरिक नहीं मारा गया। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो ट्वीट किया, उससे पाकिस्तानी सेना ने खुद अपनी फजीहत करा ली है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने सुषमा स्वराज के इस बयान का पूरा गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि वहां कोई हमला हुआ ही नहीं है। अपनी बेवकूफी भरे ट्वीट में मेजर जनरल आसिफ गफूर लिखते हैं, आखिरकार सच सामने आ ही गया है। उम्मीद है कि भारतीयों की 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान एयरफोर्स के भारतीय वायुसेना के दो जेट मार गिराने से इनकार और F-16 का सच भी बाहर आ जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान का पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दूसरा ही मतलब निकाल लिया और कह रहे हैं कि भारत ने मान लिया है कि उसने कोई एयर स्ट्राइक की ही नहीं। कि सुषमा के बयान को सुनकर साफ समझा जा सकता है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना के जहाजों का निशाना सिर्फ जैश का आतंकी कैंप था, ना कि कोई आम नागरिक या पाक सैनिक। इस ट्वीट के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में लगे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल आसिफ गफूर अब खुद ही फंस गए हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को अगर ये बात समझने में दिक्कत हो रही हो तो वो भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान एक बार फिर गौर से सुन ले। अब मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताती हूँ। बताइए लोगों को कि सन 2008 में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था हिंदुस्तान में, मुंबई टेरर अटैक, जब मुंबई के होटल पे हमला हुआ 26/11। आपको मालूम है उसमें 166 लोग मरे थे, 166, और उसमें से 126 भारतीय थे और 40 लोग 14 देशों के थे। वो एक मौका था कि वो आतंकी अटैक केवल घरेलू नहीं था, उसका स्वरूप अंतरराष्ट्रीय बन गया था, क्योंकि वो होटल पर हुआ था, होटल में वो लोग ठहरे हुए थे। वो एक मौका था, वो एक अवसर था जब भारत की सरकार उन 14 देशों का साथ लेकर पाकिस्तान को पूरी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में अलग थलग कर सकती थी कि देखिए इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसका इंटरनेशनल स्वरूप है, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। लेकिन उस सरकार ने वो मौका गवा दिया। पर इसके विपरीत आज मोदी जी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री हैं, जब उरी का हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, जब पुलवामा में हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। पर उसके साथ साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया। कैसे? हर जगह हम लोगों ने जब ये बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा में की गई थी, हमने उन्हें बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक बहुत जिम्मेदाराना थी,
हमने कहा कि हमने सेना को खुला हाथ दिया था, लेकिन दो निर्देश भी दिए थे, पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को खरोंच नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों का शहादत हमने की है, जिसकी जिम्मेदारी 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने दी है, सीधे जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। सेना ने इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं हुआ। जब ये नैरेटिव, जब ये कथन हमने इंटरनेशनल उस पर दिया, तो एक एक व्यक्ति ने कहा हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। उसी समय अभी बात की थी OIC की, हमने केवल विश्व के अलग देशों में नहीं, इस्लामिक राष्ट्रों में भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।